500 भी नहीं है, 100-200 तो होगा, 100-200 भी नहीं है, 10-20 तो होंगे, 10-20 भी नहीं है, 2-4 तो होंगे बड़े बड़े, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आज सारे विश्व के अंदर एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों प्रकार के ईश्वर हमने बना करके खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा दोष है। और भक्ति का स्वरूप, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उठक बैठक लगा रहा है, कोई दंड बैठक लगा रहा है, क्या स्थिति है? पूजा का स्वरूप देखिए, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई शराब पिला रहा है, कोई भांग पिला रहा है ईश्वर को, ईश्वर के नाम पर। मंदिरों में, धार्मिक संस्थानों में ईश्वर के नाम पर शराब पी जा रही है, भांग घोट के पी जा रही है, बकरी और मुर्गी और गायें काट काट के खा रहे हैं भगवान के नाम पर। अपने देश के अंदर अपने भाई जिनको हिंदू कहते हैं, औरों की बात छोड़ दीजिए, वो तो काटते हैं बेचारे जो कुछ करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम अपने अपने भाइयों की बात कर रहे हैं। यह अज्ञान है, ये अनेकता में एकता, ये भयंकर भ्रांति फैली गई है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ईश्वर की वेद कहता है एक ईश्वर, एक धर्म, एक संविधान, एक भाषा, एक पूजा पद्धति, एक शिक्षा, एक आचार विचार, एक खान पान, जब तक एकत्व नहीं होगा, एक राजा, एक ही सेना, एकत्व नहीं होगा तब तक हम इस संसार के अंदर शांति को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें पाकिस्तान से खतरा तो है ही, पाकिस्तान ज्यादा खतरा हमें अपने देश के अंदर है। क्यों? उनके विचार भिन्न है, ईश्वर भिन्न है, धर्म ग्रंथ भिन्न है, पूजा पद्धति भिन्न है, जीने का तरीका भिन्न है। जहां भेद होता है वहां विरोध होता है, वहां द्वेष होता है, निंदा चुगली होती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, मारकाट होती है, आतंकवाद फैलता है। इसलिए विरोध नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद में एकता के लिए वैदिक दृष्टिकोण से कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम सुख शांति की नींद नहीं ले सकेंगे। पता नहीं आज के अखबार में क्या आया है, कहां उपद्रव हुआ है, कहां बम फूट गया है, कहां आतंकवादी आ गए हैं। अनुभव इसम गच्छत ध्वंसम वदत ध्वंसम, हम कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। हम ही ने देश के विश्व के टुकड़े कर दिए हैं। हम में से कोई व्यक्ति आएगा तो देश को, विश्व को एक एक रूपता में लाएगा। इसलिए ये वेद मंत्रों में कहा गया है एक विचार, एक वाणी, एक ईश्वर, एक धर्म, एक पूजा पद्धति, एक शिक्षा, एक भाषा, एक चाल होनी चाहिए। मिलिट्री के अंदर कमांडर कितने हो जाए जी, लेफ्टिनेंट कितने, जनरल कितना होता है, एक ही होता है। प्रिंसिपल एक होता है कॉलेज के अंदर, हेडमास्टर एक होता है, बैंक में मैनेजर एक होता है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में जब तक एक ईश्वर नहीं होगा, एक संविधान नहीं होगा, एक चाल नहीं होगी, एक उनका अनुशासन नहीं होगा, हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस वेद मंत्र में कहा गया है एकता लाओ सारे विश्व में, केवल बंबई में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में नहीं, सारे विश्व में। ये आदेश है, कितना अच्छा आदेश है, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। ये जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी नास्तिक आस्तिक उपेक्षित, जब तक अलग अलग संप्रदाय मत वाले रहेंगे, एकता की स्थापना नहीं होगी और शांति नहीं मिलेगी। ये वेद का आदेश है। किसको बताओ, किसको विरोध, कौन विरोध करेगा, कोई विरोध नहीं कर सकता। मंत्र बोलेंगे संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो समानी वा आपूति समाना हृदया
ध्वं संवद ध्वं संवो वरांसि जानताम् संसमिद्युवसे वृषन् अग्ने धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री एवं साथी ब्रह्मचारी एवं सन्यासी महानुभावों का। अब अग्रिम कार्यक्रम के बीच में मैं आपका व्यवधान न बनता हुआ पूज्य आचार्य जी से निवेदन करता हूँ, वे अपने ओजस्वी वाणी से हम सबको अनुप्राणित करेंगे। पूज्य आचार्य श्री। सम्मान के योग्य विद्वतगण, धार्मिक सज्जनों, अभ्यागतों, और इस हमारी जीवन के अंग की अत्यंत आवश्यक दिनचर्या का जो अंग है जिसको हमने भुला दिया है, जो परम आवश्यक है, ऐसी यज्ञ की परंपरा को जानने, समझने और जीवन में उतारने की भावना लेकर के उपस्थित होने वाले याज्ञिक शिवरात्रि मानव भाव, मैंने आपके सामने कल एक विचार रखा था कि आज हमारा पतन हो गया है। भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से हम उन्नत हुए हैं, कपड़े हमारे अच्छे हैं, मकान हमारे अच्छे हैं, घर में बिस्तर अच्छे हैं, भोजन की इच्छा करते हैं, सब कुछ, हमारी गाड़ियां हमारी अच्छी हैं, इनकम हमारी अच्छी हो गई है, पढ़ाई भी हमने की है और प्रकार से भी भौतिक उन्नति हमारी हुई है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, आचार के दृष्टिकोण से हमारा पतन हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। 50 वर्ष पुराने व्यक्ति, 60 वर्ष पुराने व्यक्ति, 70 वर्ष पुराने व्यक्ति बूढ़ों को खड़ा कर दो, जो अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं है या साक्षर होंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनती हैं, अच्छे भाषा नहीं जानते हैं, अच्छा खाते पीते नहीं है, जीवन को सामान्य रूप से चलाया है, उनको आप 1000 को खड़ा कर दो मुंबई के अंदर, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के क्यों ना, बूढ़े व्यक्ति को, और दूसरी तरफ बढ़िया से बढ़िया पढ़ा लिखा हो, एमए हो, बीए हो, पीएचडी हो, आईएएस ऑफिसर हो, बढ़िया से बढ़िया आप खड़े कर दो, इस तरफ 100,000 आदमी इधर खड़े कर दो, 1000 इधर खड़े कर दो, अनुभव ईश्वर की दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, आचार के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए जितने कल्याणकारी लाभकारी वो हैं, उनका जीवन पवित्र है, शांत है, गंभीर है, संयमी है, तपस्वी है, त्यागी है, विनम्र है, सरल है, सेवाभावी है, जो वो मिलेंगे ये व्यक्ति नहीं मिलेंगे, मैं निश्चित रूप से कहता हूं। क्यों? शिक्षा के साथ में धर्म को हटा दिया गया, शिक्षा के साथ में ईश्वर को हटा दिया गया, शिक्षा के साथ में आत्मचिंतन को हटा दिया गया, शिक्षा के साथ में आत्मनिरीक्षण को हटा दिया गया, स्वाध्याय को हटा दिया गया, सत्संग को हटा दिया गया, इसका परिणाम यह निकला, ये एमए बीए पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हुई, अच्छी भाषाएं होंगी, अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छी उनकी पगार है, रंग रूप आकार भी अच्छा है, जूते और बाल सब कुछ बढ़िया है, अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन चरित्र, सच्चाई, सेवा भाव, विनम्रता, तपस्या, त्याग, पुरुषार्थ, आदर्श दिनचर्या नहीं मिलेगी आपके अंदर,
मैं समाधि की और ध्यान की पूजा की विनम्रता की और सहयोग की भावना तो छेड़ता नहीं विषयों, दिनचर्या ठीक नहीं, उनका खान पान ठीक नहीं है, व्यवहार में सरलता नहीं है, सेवा भावना नहीं है, तपस्या नहीं है, ये कमियां हैं, बस याध्यात्मिक कमी है। इन चीजों के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। कितनी डिग्रियां प्राप्त कर लो, कितने धन संपत्ति को इकट्ठे कर लो, इसका कारण धर्म की कमी और ईश्वर विश्वास की कमी, भक्ति की कमी, ये हमारी कमी है। हम ऐसा मानते हैं, मैंने जो अध्ययन किया है अब तक, आज मनुष्य में कोई कमी है, ये कमी है, उसने ईश्वर को छोड़ दिया। सारा संसार मिल जाए, सारे संसार का राजा क्यों नहीं बन जाए, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को छोड़ देता है उसका विनाश हो जाता है। आपको उदाहरण देखना है, विदेशों को देख लीजिए। सामान्य व्यक्ति की बात दूर रही, सामान्य व्यक्ति की बात दूर रही, देश के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ध्यान देना मेरी बातों को, मैं नाम ले लूंगा, अनेकों राष्ट्रों के, यूरोप के राष्ट्रों के, अमेरिका के राष्ट्रों के, अफ्रीकन राष्ट्रों के, एशिया के राष्ट्रों के, ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे, प्रधानमंत्री मिलेंगे, राष्ट्रपति मिलेंगे, मिनिस्टर्स मिलेंगे, चरित्र ही अमेरिका का मिलेगा आपको, भूल गए आप, नहीं भूले होंगे, इटली का मिलेगा आपको, इंग्लैंड के मिलेंगे, अफ्रीका के मिलेंगे, यूरोप के देशों के मिलेंगे, राष्ट्रपति बन करके, प्रधानमंत्री बन करके, व्यभिचार से लिप्त, बलात्कार करने वाले, हमारी संस्कृति में यह नहीं है। पैसा मिले या ना मिले, धन मिले या ना मिले, मकान अच्छा हो या ना हो, कपड़े अच्छे पहने तो ना पहने, खाने को अच्छा हो ना हो, चरित्र महान होना चाहिए व्यक्ति का। हमारे यहां पर सन्यासी को बड़ा माना गया है, क्यों माना गया है, इसके पास पैसा नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, मकान नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, चरित्र महान है। महानता की परिभाषाएं बदल गई है। महान किसको माना जा रहा है, उन्नत किसको माना जा रहा है, श्रेष्ठ किसको माना जा रहा है, ऊंचा किसको माना जा रहा है, बड़ा किसको माना जा रहा है, इसके पास अधिक धन है। सुनो मेरी बातों को, आपके दिमाग में भी ये कचरा भरा होगा, आपके दिमाग में भी ये है, जिसके पास अधिक धन है, अधिक बड़ा मकान है, अधिक अच्छे कपड़े पहनते हैं, अधिक अच्छी गाड़ियां हैं, अधिक अच्छा खाते हैं, अच्छी उनकी इनकम है, वो बड़ा है, नहीं बड़ा ये चरित्रवान बड़ा है, विद्वान बड़ा है, तपस्वी बड़ा है, सेवाभावी बड़ा है, बेकार धन कचरे को, ये पाश्चात्य पद्धति है। सबसे बड़ा है तो तपस्वी है, त्यागी है, विद्वान है, विनम्र है, सरल है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, छल कपट नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, संयमी है, तपस्वी है, त्यागी है, विनम्र है, अपने विचारों से, व्यवहार से, समाज राष्ट्र की जहां रहता है प्रकाश की किरणें बिखेरता है, लोगों को शांति देता है, सन्मार्ग की ओर जाता है, अंधकार से हटाता है, कुप से हटाता है, वो महान है। चाहे इसके बाद कपड़ा हो या ना हो, लंगोटी मार के रहता, भूल गए हम दृष्टियों को, हमारी दृष्टि बदल गई है, दृष्टि हमारी बदल गई, विचार के बदल जाने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। महाभारत के काल में, रामायण के काल में ये दो ही आंखों थी उस समय रहने वालों के, भगवान राम के, भगवान कृष्ण के दो ही आंखें थी, चार आंख नहीं थी, चार हाथ नहीं थे, उतनी हड्डियां थी, वैसे ही रंग रूप था, उनके विचार महान थे, महान मन गए। वही सूर्य है, वही पृथ्वी है, वही नदियां हैं गंगा यमुना, वही फल फूल है, लेकिन हमारे विचार बदलने के कारण, बुद्धि बदलने के कारण आज हमारा विनाश हो गया है। हम गलत विचारते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, कारण क्या, हमने गलत पढ़ा या पढ़ाया नहीं गया। मैं सच कहता हूं, सत्य को स्वीकार करना चाहिए। प्राचीन काल के अंदर जब 5 वर्ष का बच्चा होता था, केवल 5 वर्ष का, उसको घर से निकाल करके गुरुकुल में भेज दिया करते थे। क्यों?
माता पिता बच्चे का निर्माण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसे सिद्धांत है। ऋषि कहते हैं कि 5 वर्ष के बच्चे को घर से बाहर भेज दो, किसके पास में, जो तपस्वी हो, विद्वान हो, त्यागी हो, ऐसे व्यक्ति के पास भेजो जो निर्माण कर सके। माता पिता नहीं कर सकते, क्यों, उनके 20 काम होते हैं, वो स्वयं पारिवारिक झंझटों के अंदर लगे होते हैं, धंधा है, व्यवसाय है, मरना है, जीना है, हानि है, लाभ है, मान है, अपमान है, उसका प्रभाव बच्चों में पड़ता है। अध्ययन के काल में 25 वर्ष तक बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हानि का, लाभ का, दुख का, सुख का, किसी प्रकार का। आज क्या हो रहा है, घर में रहने वाले बच्चों का निर्माण नहीं होता है, अपेक्षा करके हॉस्टल में जो रहे हैं उनका निर्माण होता है। ध्यान देना, जो बच्चे हॉस्टल में रहे अधिक तपस्वी होते हैं, विनम्र होते हैं, अच्छी दिनचर्या होती है, संयमी होते हैं, त्यागी भी होते हैं, पुरुषार्थी भी होते हैं, घर में रहने वाला नहीं होता, नहीं कर सकते निर्माण। जो स्वयं बुझा हुआ है वो दूसरे को क्या जगाएगा। दिया सलाई जब आग लगाती है, अभी आप दीपक जलाएंगे ना, तो दिया सलाई को स्वयं जलना पड़ेगा, तब दीपक में आग लगाएगी। तो माता पिता स्वयं बुझे हैं, स्वयं टीवी के सामने गंदे दृश्यों को देखते हैं, अश्लील कुकृत्यों को देखते हैं, गंदे गाने, गंदे दृश्य, मार काट की चीजें देखते हैं, स्वयं झूठ छल कपट का व्यवहार करते हैं, स्वयं ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो बच्चों का निर्माण कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज विनाश हो रहा है, घर में रहने के कारण हो रहा है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर बच्चों को घर में रखने का विधान नहीं है। वेद में स्पष्ट मंत्र आए हैं, जो माता पिता बच्चों को घर में रखते हैं उनको दंड दो, नहीं हो सकता निर्माण, आप देखेंगे। इसलिए हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुली है, ये मैंने आपको बीच में बात बताई। फिर दूसरी बात, गुरुकुली शिक्षा प्रणाली क्यों श्रेष्ठ थी, उसमें ईश्वर को प्रधानता दी जाती थी। 5 वर्ष के बच्चे को कपड़े सारे उतार करके, ये लाल नीले पीले कपड़े बनाने से व्यक्ति विचार करता है मेरा बेटा अच्छा है, 5 वर्ष का बच्चा शाहरुख खान को भी लाल मात कर रहा है, क्या ये श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार का विधान नहीं है, 25 वर्ष तक बाल काट देते हैं बच्चे का, लंगोट पहनाते, लंगोटी, नंगा घुमाते हैं उसको, नंगे पांव, सादा भोजन देते हैं उसको, गंदे दृश्य नहीं दिखाते हैं, तपस्वी बनाते हैं, खेत में काम कराते हैं, गायों को चराने का, खेती में करने का, सब बागवानी करने का, फल फूल लगाने का, तपस्वी बनता है, तब राष्ट्र का काम कर सकता है। भिक्षा मंगवाते हैं उसे ताकि उसके दिमाग में रहे कि मैं सारे राष्ट्र का खा रहा हूं। मैं आज नहीं मान रहे बच्चे, जो एम ए बी ए पी एच डी एम बी बी एस एम टेक बी टेक जो कर कुछ कर रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि मैं राष्ट्र का खा रहे, जबकि खा रहे राष्ट्र का। गुरुकुल में भिक्षा मांगते थे, भिक्षा देगी, घर घर में जाते थे, उनका दिमाग बना होता मैं अपने केवल माँ बाप का नहीं हूं, मैं अपने समाज का नहीं हूं, मैं सारे राष्ट्र का हूं, मैं राष्ट्र की भावना उसके मन में उत्पन्न होती थी। आज वो नहीं हो रही, घर के अंदर वो कहता बेटा तू मेरा महारुष है बस, और बीजा नहीं, मारी तुम्हारी सेवा करवानी है बस। इनमें भी राग पैदा होता है, उसमें भी अधिकार की भावना पैदा होती है, ये रोग है हमारा। तो बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था में उसको ध्यान कराया जाता था सच्चे ईश्वर का। मैंने कल आपको संकेत किया था, मानुभव हम सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, क्षमा करना मेरे को, बुरा नहीं मानना, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया हूं, मैं आपका अपमान करने नहीं आया हूं, मैं आपको सच्चाई दिखाने आया हूं। इस वेद के अंदर क्या है, हमने वेद छपाए गुजराती, तो मैं गुजराती बाजार गुजराती चाहे नहीं है, ये वेद छपाए हमने, पढ़ना इनको, साम वेद यजुर्वेद छपाया हमने, सच्चे ईश्वर का स्वरूप इसमें है। उस 5 वर्ष के बच्चे को ऐसे ध्यानावस्थित होकर के प्राणायाम के माध्यम से मन को रोक करके 5 वर्ष के बच्चे को समाधि लगा, बूढ़े 60 वर्ष के बच्चों को बात नहीं की जा रही है। समाधि लगाने से व्यक्ति बलवान होता है, विद्या अधिक पढ़ता है, धन अधिक कमाता है, पुरुषार्थी बनता है, तपस्वी बनता है। 5 वर्ष के बच्चे को कहते थे ईश्वर का साक्षात करना है, तेरे को समाधि लगानी है। ये समझते हैं अभी तो 60 ही वर्ष हुए हैं, ये मंगल भाई विचारते हैं अभी तो तगड़ा हूं मैं बड़ा, पर और बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं ध्यान लगाऊंगा। मैं 5 वर्ष के बच्चे को ध्यान लगाया जाता था योगियों की तरह,
और हम ध्यान कर कितने व्यक्ति हैं जी जो बैठ करके एकांत स्थान के अंदर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद नहीं करते हैं लोग महाकृतज्ञ हो गए हम महानुभाव आज मैं आपको चलो बताऊंगा ईश्वर का ध्यान कैसे करते हैं 5-7 मिनट लगेंगे ध्यान दो ईश्वर का ध्यान अकेले होता है पत्नी के साथ में नहीं पति के साथ में नहीं अकेले होता समूह में तो गीत गाए जाते हैं भजन गाए जाते हैं नारे लगाए जाते हैं भजन जो है अकेला होता पत्नी को साथ के बैठा के करेगा भजन नहीं होगा एकांत स्थान में मौन स्थान हो गंभीर हो शांत हो प्रसन्न हो स्वच्छ हो आसन लगा के कम कपड़ों में जितने कम कपड़े अच्छा ईश्वर का ध्यान करने के लिए सब कुछ भुलाना पड़ता है उस काल में आप आधा घंटा ध्यान करते हैं संसार की कोई वस्तु दिमाग में आनी नहीं चाहिए अपनी फैक्ट्री नहीं दुकान नहीं ऑफिस नहीं मित्र नहीं साथी नहीं माँ नहीं बाप नहीं पति नहीं पत्नी नहीं बेटा नहीं धन नहीं संपत्ति नहीं किसी की भी स्मृति नहीं आनी चाहिए तब ध्यान होता है और चलिए आगे शरीर की भी नहीं जो विचार करेगा मैं इतना लंबा चौड़ा हूं मेरा नाम ये है इतना भार है मेरा इतना एमए बीए पीएचडी हूं मैं इतना धन है मेरा ये रंग रूप है उसका ध्यान नहीं होगा सुन लेना मेरी बातों पकड़ में आए तो पकड़ लेना तो कोई बात नहीं ध्यान होता है एकांत में नाम को और शरीर को भुला करके नाम को भी भुलाना पड़ता है तो क्या याद रखना पड़ता है मैं आत्मा हूं ध्यान देना मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं मैं इस शरीर के अंदर हृदय में रहता हूं मैं आंखों से देखता हूं कानों से सुनता हूं नाक से सूंघता हूं मुंह से बोलता हूं खाता हूं पांव से चलता हूं हाथ से पकड़ता हूं मन से विचारता हूं बुद्धि से निर्णय लेता हूं ये सारे मेरे अवयव हैं पार्ट हैं मेरे साधन हैं शरीर से अलग हूं मैं बुद्धि मन आत्मा सबसे अलग हूं मैं जीवात्मा हूं छोटा सा सूक्ष्म एक जैसी नित्य मरने जीने वाला ये शरीर मेरी गाड़ी है शरीर मेरा नहीं है शरीर को शरीर में मेरा घर है ये इसको छोड़ना है मेरे को मिला है छोड़ भी दूंगा मैं सारा संसार नित्य है शरीर ही नित्य है मैं केवल जीवात्मा हूं मेरा कोई नाम नहीं है नाम तो इस जन्म में लोगों ने रख दिया है इससे व्यवहार हो हमारा इसका नाम राम है इसका नाम मोहन है इसका नाम सोहन है जीवात्मा का कोई नाम नहीं है जीवात्मा जीवात्मा ही है आज राम है अगले जन्म में मोहन होगा पीछे सोहन था हम जीवात्मा है सूक्ष्म है एक देशी है बहुत छोटे हैं निराकार ऐसा मान करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए कैसे ईश्वर का जो सर्वव्यापक है ध्यान देना महानुभव मेरी बात को पकड़ो मैं बिल्कुल 35 वर्ष हो गए मेरे को वेदों को पढ़ते पढ़ाते हुए इन वेदों को पढ़ते पढ़ाते हुए वेदों को दर्शन को उपनिषद को पढ़ाता हूं मैं ईश्वर के हाथ पांव नहीं है ईश्वर का रंग रूप नहीं है मैंने आपको कल भी बताया था ईश्वर हमारे हृदय में बैठा हमारे हृदय को चला रहा है हमारे मन को जान रहा है हमारी बातों को दूसरा व्यक्ति कोई पूरा नहीं जान सकता जब तक बताएंगे नहीं हम ईश्वर जानता जो सर्वव्यापक है सर्वज्ञ है सर्वांतर्यामी है हमारे कर्मों का साक्षी है निराकार है न्यायकारी है ऐसे ईश्वर को सारे संसार में व्यापक मान करके उसकी उपासना की जाती है क्यों की जाती है दो कामों के लिए पकड़ लो मेरी बात को ईश्वर का ध्यान ईश्वर की भक्ति ईश्वर की उपासना दो कामों के लिए की जाती है पहला काम है धन्यवाद करना हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें अच्छा शरीर मिला है अच्छा रंग रूप मिला है अच्छे माता पिता मिले अच्छी बुद्धि मिली अच्छा आकार मिला हमको आपकी कृपा से हमने इतना पढ़ाई की हमने विवाह किया बच्चे पैदा किए मकान बनाया धन संपत्ति इकट्ठी की हमारी प्रतिष्ठा है सम्मान है यश है कीर्ति है आपके कारण है आपका हम धन्यवाद कर रहे हैं उपासना का ध्यान का भक्ति का आधा भाग है धन्यवाद करना तो धन्यवाद नहीं करता है मां मूर्ख आदमी कृतज्ञ है वो आधा भाग है धन्यवाद करना आधा भाग क्या है आधा भाग है जो कमी है हमारे में क्रोध है
लोभ है, ईर्ष्या है, झूठ है, छल है, कपट है, अन्याय है, पक्षपात है, आलस्य है, प्रमाद है, अभिमान है, निंदा चुगली की भावना है, सकामता बनी हुई है, उन गुणों को और अवगुणों को दूर करना और गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना करना, ये उपासना का दूसरा भाग। अब मानते नहीं है, सच पूछो मैं, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, कल मैंने बताया था हमारे में जो कमियां हैं सारी कमियों को दूर कर सकता है ईश्वर, बहुत जल्दी कर सकता है। हम चाहे कामी हैं, चाहे क्रोधी हैं, चाहे लोभी हैं, चाहे ईर्ष्यालु हैं, चाहे अहंकारी हैं, चाहे स्वार्थी हैं, विषय भोगी हैं, सारी कमियों को परमपिता परमात्मा जादू की तरह समाप्त कर सकता है। हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, हम इन दोषों को बुरा ही नहीं मानते हैं, आज से तो ये है झूठ को ठीक मान रहे हैं, आज काम क्रोध लोभ मोह को अच्छा मान रहे हैं, तो वो होना ही चाहिए। सारे एक एक सिक्के पे लिखा है, एक एक नोट पे लिखा है, क्या लिखा है, सत्यमेव, पढ़ा ना आपने, सत्यमेव जयते, और यहां दिमाग में क्या बैठा हुआ है, असत्यमेव जयते। लोगों के दिमाग में आज बैठ गया है, जब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, हीराफेरी नहीं करूंगा, रिश्वत दूंगा नहीं, चालाकी नहीं करूंगा, तब तक मेरे को धन नहीं मिलेगा, भूखा मर जाऊंगा, बेमौत मर जाऊंगा, अकाल मर जाऊंगा मैं, ये भावना बन गई है। जबकि वेद कहता है सत्य बोल करके, धर्माचरण करके आप लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, सारे पृथ्वी के राजा बन सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उल्टा हो गया। आज हमारा दिमाग ये बनता है, जब तक चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, हेराफेरी नहीं करेंगे, तब तक धन नहीं मिलेगा, और धन नहीं मिलेगा तो कीड़े मकोड़े की तरह, दरिद्र की तरह जीवन बिताना पड़ेगा, नहीं मानो भाव, ये धारणा मिथ्या बन गई है। सत्य के आधार पर हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा सकते हैं, विदेशों में कमा रहे, उदाहरण लेना तो यहां भी मिलेंगे आपको, आप अमेरिका में जाइए, यूरोप के देशों में जाइए, और देशों में जाइए, सतही से कमाते हैं वो, झूठ नहीं बोलते हैं, हेराफेरी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, मिलावट नहीं करते हैं, घुसखोरी नहीं वहां पर, कमारे पैसा हम क्यों नहीं कमा सकते, वेद का आदेश है और कमा भी सकते हैं, आज यहां भी उदाहरण मिल जाएगा आपको। लेकिन हमारे मन में क्या भावना बनी हुई है, एक का सवा नहीं, एक का डेढ़ नहीं, एक का दो नहीं, एक का दस नहीं, एक का सौ नहीं, एक का लाख मिले मेरे को, ये हमारी भावना, एक रुपया हो एक का लाख मिल जाए, लॉटरी करते हैं। ये जुआ जो है हमारी वैदिक परंपरा नहीं है, जुए को बहुत बुरा माना गया है, पाप है ये, हजारों व्यक्तियों के धन को संग्रह करके एक आदमी को प्राप्त करना, ये जुआ जो है अधर्म है, हिंसा है, पाप है, मत खेलो इन लॉटरियों को, ऐसे कामों को मत करो। और आज क्षमा करा, डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष हो, सभी जुआरी बन गए, लोभी बन गए, बाय टू गेट वन फ्री, क्या है ये, बाय वन गेट वन फ्री, क्या है ये लोभ की वृत्ति पैदा करते हैं मानव भाव। तो मैं आपको बता रहा था परमपिता परमात्मा का ध्यान कैसे करते हैं, ये आपको बताऊंगा थोड़े से काल के लिए, आपको दो मिनट के लिए सीधे होके बैठना, बिल्कुल सीधा टट्टार हमारी भाषा में। अब ये 15 वर्ष का 20 वर्ष का होता नहीं, कमर झुक जाती है, घोड़े की तरह तीर कमान बन जाती है। याद रखो हमारी वैदिक परंपरा में नीचे धरती पर बैठ करके 20 प्रकार के काम होते हैं, कुर्सियों पर नहीं होते हैं, ध्यान भी मुख्य है, कुर्सी पे ध्यान हो सकता है, खाट पे भी हो सकता है, लेकिन धरती पे आसन लगा करके कमर सीधी करके जैसा ध्यान होगा वैसा ध्यान कुर्सी पे नहीं होगा, खाट पे नहीं होगा, पलंग पे नहीं होगा, ये धरती पे बैठना भूल गए हमको, घर में कुर्सी, ऑफिस में कुर्सी, गाड़ी में कुर्सी, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, जब नीचे बैठाते हैं तो टांगे यूं हो जाती है उसकी, अनुभव ऋषि लोग कैसे बैठते हैं, ऐसे दोनों घुटने लगे होते हैं, ऐसे ऐसे सरल भोजन के पाचन के लिए, ध्यान के लिए, रक्त संचार के लिए, ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए, हर दृष्टिकोण से सीधा होकर बैठना चाहिए, भोजन भी बैठ के करना चाहिए, ध्यान भी बैठ के करना चाहिए, चर्चा भी बैठ के करनी चाहिए। हमारे अनेकों काम
अच्छी प्रकार से प्रवचन किस प्रकार करना चाहिए, खड़े खड़े प्रवचन देने वाले राजनेता लोग होते हैं, उपदेश और व्याख्यान और प्रवचन बैठ करके होता है, शांति से, खड़े होने में चंचलता है, हिलने डुलने में चंचलता है, विदेशों में देखा मैंने, उपदेश करते धर्म उपदेश चलते दौड़ते बढ़ते उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, उपदेश नहीं होता। इसलिए ध्यान अवस्थित के लिए व्यक्ति को बैठना आसीन संभव, दर्शनकार कहते हैं एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान करना चाहिए, सीधे हो गए। अब क्या करना है दूसरा काम, पहले ये विचारना है कि मैं आत्मा हूं। जब ध्यान करते हैं तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति दिमाग में नहीं आना चाहिए। यदि आप विचार करेंगे अभी इस समय जब मैं ध्यान करा रहा हूं, आप विचार करेंगे मैं न्यू माणिकलाल में बैठा हूं, मेरे आगे वो बैठा है, मेरे ये कपड़े पहने हुए हैं और ये 9 बजे का 8 बजे का समय है, ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ऐसे दिमाग करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। तो क्या विचारना है, कुछ नहीं, यहां पर सबको प्रलय अवस्था में पहुंचा देना चाहिए। मैं आत्मा हूं, अपना नाम भी बुला दो, मैं आत्मा हूं और ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, शक्ति का भंडार है, दया का भंडार है, मैं अभी उससे जो मेरे में कमियां हैं वो मांगूंगा। मैं क्या कमी है, आनंद, कल्पना कीजिए आज आपको आनंद का जप कराता हूं। हमारे पास आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, निर्भीकता नहीं है, तो आज हम ईश्वर के अंदर गुण है आनंद, वो आनंद गुण को लेकर के हम ईश्वर का ध्यान करेंगे। परमेश्वर मेरे जीवन में आनंद नहीं है, अर्थात शांति नहीं है, संतोष नहीं है, तृप्ति नहीं है, सत्य नहीं है, परोपकार नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, इन गुणों को पैदा करो और मेरे को आनंदित बनाओ, हर समय हर पल हर स्थिति में हर कहीं हर व्यक्ति के पास में मैं रहूं तो हर समय आनंद में रहूं, मैं कभी दुखी ना हो, मैं ऐसी स्थिति मेरी बनाओ, ये मन में प्रार्थना करनी है। अब आंखें बंद कर लेंगे, कुछ नहीं विचारना है, कौन से कपड़े पहन रखे हैं, पड़ोस में कौन है, मेरा रंग रूप क्या है, मेरा नाम क्या है, बुलाने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है, बाहर है, दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, हमको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखता हूं, वैसे ही परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण, सर्वज्ञ चेतन होने के कारण हमको देख रहा है, वो ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, शक्ति का भंडार है, उससे हम प्रार्थना करेंगे आनंद की। एक बार मैं बोलता हूं, उसी प्रकार आपको बोलना है, ओ आनंद। अब मैं बोलूंगा आपको, जब मैं बोलता हूं मन में ये भावना बनानी है, परमेश्वर ये प्रार्थना करनी, परमेश्वर मुझे आनंद दो, मेरे जीवन में आनंद नहीं है, कम है, हर समय मैं सुखी रहूं, शांत रहूं, निर्भीक रहूं, ऐसी मन में भावना ईश्वर से प्रार्थना करनी है। ओ आनंद, बोलिए ओ आनंद, ओ आनंद, ओ आनंद। हम स्वर को बदलेंगे, बस मुख्य कार्य करना है, आपके पास में कौन बैठा है, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, प्रिय से प्रिय वस्तु को, आपका जो प्रिय से प्रिय व्यक्ति है, वस्तु है, उसको आपको स्मरण नहीं करना है। इस समय केवल मात्र ईश्वर का ध्यान करना है, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन को चला रहा है, उसके कारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जीवन को चला रहे हैं, उसका ध्यान करना है। स्वर को ऊंचा लेंगे, ऊंचे स्वर को लेने से वृत्तियां कम उत्पन्न होती है, हमारा ध्यान इधर उधर कम होता है। ओ आनंद, बोलिए ओ
आंखें खोल लेंगे। महानुभाव, ईश्वर की भक्ति का रूप है। कोई पैसा नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई दीप नहीं, कोई नैवेद्य नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। ईश्वर को देना है अपनी बुराइयों को, समर्पित करो, चढ़ाना है। तो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर ये जो क्रोध है, ये काम है, ये लोभ है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, अहंकार है, इसको मैं आज समर्पित करता हूं या करती हूं, ये चढ़ाओ। जिसने सारे संसार को बना करके दिया है, हम उसको छोटा पुष्प चढ़ा रहे हैं, इतने बड़े लंबे चौड़े बाग बगीचे बनाए, हम उसको दूध दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। चढ़ाना है अपने दुर्भावना को, ईश्वर को दीजिएगा, ये करने की बात है। तो ये मैंने आपको ईश्वर की उपासना कैसे होती है थोड़ी सी झलक बताई, कल फिर और कराऊंगा सुबह का समय। आज यज्ञ के विषय में कुछ बातें बताना चाहता हूं। यज्ञ क्या है? अनुभव, इस यज्ञ से भौतिक लाभ तो होते ही हैं, आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। वो क्या होते हैं आपको बताऊंगा। आध्यात्मिक लाभ समझ में नहीं आते हैं तो ये केवल मात्र लकड़ फूंक तमाशा हो जाता है, बस लकड़ फूंकने वाला। आध्यात्मिक लाभ क्या है सुनिए आप। इस यज्ञ को करते हैं तो हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं सबसे पहले, हर एक मंत्र के आगे, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते, ओम ओम बोलते हैं। ये ओम कौन है? हमारे जीवन का आधार। बस जितनी बार मंत्र बोलेंगे ओम शब्द आएगा। जितना भी हमारे पास में है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, चला रहा है। मैंने आपको बताया हार्टबीट कौन कर रहा है, नथिंग इज ऑटोमेटिक इन यूनिवर्स। सारे संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है, चलाने वाला होता है कोई ना कोई, बनाने वाला होता है, ऑटोमेटिक बनाने वाला भी व्यक्ति होता है। विश्वास कीजिए मानुभव, ये जो हार्ट बीट है ये अपने आप नहीं हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम लॉर्ड, ईश्वर के कारण है। विश्वास कीजिए आप, वो परमपिता परमात्मा जो है, हमने जो धन कमाया है ईश्वर के कारण कमाया है। पकड़ो मेरी बातों को, ये हाथ किसके बनाए हुए हैं, ये पांव किसके हैं, आंखें किसकी है, ये बुद्धि किसकी है, जान विज्ञान किसका है? हमने अपने गुरुओं से पढ़ा, माता पिता से जाना समझा, उन्होंने किससे पढ़ा, अपने गुरुओं से, उन्होंने किससे पढ़ा, अपने गुरुओं से। अंतिम गुरु कौन है? ईश्वर है। हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। हम जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, इसका आदि मूल वेद है। इन वेदों को पढ़ करके हमारे आदि काल में कपिल, बागरण, व्यास आदि ऋषि मुनि हैं, उन्होंने को पढ़ा, हमारे पूर्वजों को पढ़ाया, पढ़ते 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 हम आ रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, हमारे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, इनके पास ज्ञान विज्ञान है, इन्होंने अपने गुरुओं से पढ़ा, उन्होंने अपने गुरुओं से पढ़ा। हमारे पास जो बुद्धि है ईश्वर की कर है, बस आदि मूल ईश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर जीवन का आधार है हमारा, हमें पकड़ना इस बात को। हम भोजन के बिना मासों तक जी से रह सकते हैं। आप देखते हैं हमारे जैनी भाई, हमारे साधु श्री बहुत से होते हैं जो एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, छह छह महीने तक उपवास करते हैं, खाते नहीं है, जीवित रहते हो। भोजन के बिना हम मासों तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना हम कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। श्वास के बिना भी, नाक बंद कर दी जाए किसी व्यक्ति की, नाक और मुंह बंद कर दो, कोई छटपटाता रहेगा लेकिन 5-10 मिनट तो वो जीवित रहेगा। लेकिन परमपिता परमात्मा हमारे हृदय को एक मिनट के लिए बंद कर दे, क्या होगा जी? राम नाम सब। ये समझ नहीं पा रहे, ये समझने का प्रयास करें। वो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन का जो कुछ भी हमारे पास में है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, प्रतिष्ठा है, पुत्र है, पौत्र है, सम्मान है, यश है, सब कुछ ईश्वर के कारण है। ईश्वर उसका वास्तविक मालिक है, हम तो रक्षक है।
ऐसा मानना चाहिए। ये यज्ञ करेंगे तो ओम सबसे पहले बोलेंगे। आगे क्या शब्द आता है? इदं न मम, ये मेरा नहीं है। इसका है ईश्वर का है। याद रखो, जो चीज हम लाए नहीं और ले जाएंगे नहीं वो हमारी नहीं है। ये शरीर भी, आप मकान की बात छोड़िए, पत्नी की बात छोड़िए, बेटों की बात छोड़िए, धन संपत्ति की बात छोड़िए, प्रतिष्ठा की बात छोड़िए, ये शरीर भी जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये जन्म लेने से पहले था नहीं और मृत्यु के बाद रहेगा नहीं। इसलिए संसार में कोई वस्तु हमारी नहीं है, ईश्वर ने दी है प्रयोग करने के लिए। ये इदं न मम है, मेरा है ये। मेरा मेरा मानने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, दुख होता है उसको। ये मानता है ईश्वर का दिया हुआ, मेरे माता पिता का है, मेरे बड़े व्यक्तियों का है, समाज का है, राष्ट्र का है, मैं केवल इसका ट्रस्टी हूं। मैं ट्रस्टी हूं, इसका उपयोग कर रहा हूं अपने लिए और समाज राष्ट्र के लिए। आपके पास धन संपत्ति है, मकान है, कोई लेके गया जी? हमारे दादा परदादा लेके गए? नहीं लेके गए, हम नहीं ले जाएंगे। उनका यश और कीर्ति रह गया है। किनकी यश कीर्ति रहते हैं? जो अच्छे काम करते हैं। अपना पहले हम सुनते थे, अब तो नहीं कहते हैं, पहले बचपन में खुद सुनते थे, ये कौन है जी, किसका मकान है? ये ईश्वर का है। ये किसका बेटा है? ईश्वर का है, ऐसे बोलते थे। अब क्या कहता है? मेरा, ये मकान मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये उसका है, ये बेटा मेरा है। ये मेरा मेरा करने वाला जो है बंधन को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। जब छीनता है ईश्वर तो दुखी होता है। इसलिए बचपन से मान के चलो सब कुछ ईश्वर का दिया है, हम इसको रखेंगे। विचार बदलना है पर, और कुछ नहीं करना। ईश्वर का दिया हुआ है, हम अपने पास में रखेंगे, सदुपयोग करेंगे अपने लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, गली वाले के लिए, गांव वाले के लिए, राष्ट्र के लिए। इदं न मम, मेरा नहीं। जब मेरा नहीं विचार होगा तो जब मरेंगे या छीनेंगे, कोई ईश्वर हमसे छीनेगा तो उसमें दुख नहीं होगा। ये संन्यास क्या है? जीते जी छोड़ देना सब कुछ, तो संन्यास। ये इदं न मम हमको प्रेरणा देता है, अपना मत मानो, ईश्वर का मान के चलो। आगे अग्नि, रोजाना अग्नि जलती है, अग्नि हमको प्रेरणा देती है मानुभाव। अग्नि के तीन गुण हैं, पुस्तक में आपको मिलेगा। अग्नि में तीन गुण क्या है? प्रकाश, ताप और गति, लाइट, हीट एंड मोशन। हर गति चमकना चाहता है, हाईलाइट होना चाहता है। 5 वर्ष का बच्चा भी होता है ना, वो आज शीशे के सामने जाकर के ये पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, मैं ऐसे बाल बनाऊंगा, मैं ऐसा शर्ट पहनूंगा, मैं ऐसी पैंट पहनूंगा, मैं ऐसे जूते पहनूंगा। मैं देखा ना आपने, हर व्यक्ति चमकना चाहता है, प्रकाशित होना चाहता है, बुरा नहीं है। बाल चमके, हमारे गाल चमके, जूते चमके, होठ चमके, कुछ भी, सब कुछ चमकना चाहिए। अंतःकरण भी चमकना चाहिए। आज हमारा अंतःकरण नहीं चमक रहा है, विचार नहीं चमक रहे हैं, अंदर से दुर्गंध आ रही है। बाहर रिम जिम ज्योति दमके, अंदर निपट अंधेरा। सफाइयां हो रही है जितनी, के मन उतने हो रहे हैं मैले, कि अंधेरा छा जाएगा जहां में यदि यही रोशनी होती रही। मानुभाव, आज बाहर से हम हाईलाइट हो रहे हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे योजनाएं बहुत दुर्गंध युक्त है, स्वार्थ से युक्त है, द्वेष से युक्त है, ईर्ष्या से युक्त है, छल कपट से युक्त है। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को प्रकाशित करना है। यह अग्नि हमको प्रेरणा देगी। धन प्राप्त करो, अपने मकान को, गाड़ियों को, सोफा सेट को, कालीन को, पात्रों को, भाषण को, बदन में चमकाओ, और अंतःकरण में पण चमकाओ। जिसके मन में प्रकाश नहीं है वो गलत विचारेगा, गलत बोलेगा, गलत करेगा। तो अग्नि हमको प्रेरणा देगी, मन को, आत्मा को, अंतःकरण को, बुद्धि को, इनको चमकाओ, प्रकाशित करो। दूसरा जो है, दूसरा है ताप, हीट। अग्नि में हम जो डालते हैं, आप घी डालेंगे, आप पेड़ा डाल दो, इसमें अनाज डाल दो, सब्जी डाल दो, फल डाल दो, ड्राई फ्रूट्स डाल दो, जो डालेंगे सब जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। ऐसे ही हमको यज्ञ करते हुए एक काम ये करना है कि परमपिता परमात्मा आपका नाम अग्नि है,
हम अपने अंतरकरण में, अपने मन में, अपनी आत्मा में आप अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम जलाएंगे और उसके अंदर अपने काम की, क्रोध की आहुति देंगे, लोभ की आहुति देंगे, ईर्ष्या की आहुति देंगे, अहंकार की आहुति देंगे, उसको जलाओ। अनुभव, यदि यज्ञ करते हुए हमारा क्रोध जलता नहीं है, ईर्ष्या जलती नहीं है, द्वेष जलता नहीं है, झूठ जलता नहीं है, अहंकार जलता नहीं है, लोभ जलता नहीं है, तो समझ लेना यज्ञ अधूरा है, लकड़पुंग तमाशा है। इनको भी जलाना है, एक यज्ञ करना है बाहर, एक यज्ञ करना है अंदर, हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर, अंतःकरण के अंदर अपने काम वासनाओं को जलाओ, लोभ कुवासनाओं को जलाओ। एक दूसरा आदमी हमको प्रेरणा देगी, जलाओ अंतःकरण के अंदर दुर्वासनाओं को जलाओ। तीसरा अग्नि का गुण है गति, मोशन। अग्नि आप देखेंगे लपलपाती रहती है, ऊपर चढ़ती रहती है, ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है और गति पकड़नी है, रुकना नहीं है। व्यक्ति क्या होता है, जीवन पथ पर चलते हुए लोगों को लोग धोखा देते हैं, आपके जीवन में भी होता होगा, हर व्यक्ति के साथ होता है, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं। घबराना नहीं, हम सच्चे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम बुरे नहीं हैं, जैसा आरोप लगा रहा है वैसा हमारे में दुर्गुण नहीं है, हम अपराधी नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है। जीवन साथी छोड़ देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, घबराना नहीं मानव, चलते रहो, रुकना नहीं है। जो व्यक्ति रुक जाता है सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है, चलते रहना चाहिए। जीवन साथी छूट जाते हैं, किसी की पत्नी समाप्त हो जाती है, किसी का पति चला जाता है, तो रुखी होकर के मर जाता है, मरना नहीं है। ईश्वर सबसे बड़ा सहारा है, चलते रहो आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। ये अग्नि को प्रेरणा देगी और ऊपर उठो, संतोष मत करो। धन में व्यक्ति संतोष नहीं करता है, आध्यात्मिक मार्ग में संतोष कर लेता है, बस आध्यात्मिक मार्ग में संतोष नहीं, और हमको महान बनना है, हम भी ऋषि मुनि बन सकते हैं। जो लोग कहते हैं राम तो राम ही थे, दयानंद तो दयानंद थे, कृष्ण तो कृष्ण थे, नहीं, गलत है ये, ये भी हमारे तरह मनुष्य थे, ये कोई आकाश से नहीं टपके, भूमि में से नहीं निकले, हमारे तरह थे। उन्होंने तपस्या की, अध्ययन किया, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, पुरुषार्थ किया, ये महान बन गए, हम भी बन सकते हैं। महानुभव, आज व्यक्ति जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अहंकारी है, कितना ही निकृष्ट क्यों न हो, कितना ही पापी क्यों न हो, कितना ही दुराचारी क्यों हो, मन में संकल्प कर ले मुझे महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, वो तत्काल बन जाता है, आज से बन जाता है, समय लेता, संकल्प करना चाहिए। आज आपको संकल्प देंगे, संकल्प पत्र, संकल्प करना। तो प्रकाश, ताप और गति, ये तीन स्थितियां अग्नि की हमको प्रेरणा देती है। अग्नि जब लपलपाएगी हमको प्रेरणा देगी और ऊपर उठो, निराश नहीं होना। हमारे साथ घटनाएं घटती है, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, हम रोने लग जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, काम नहीं करते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। सहन शक्ति बढ़ेगी आप यज्ञ करेंगे तो, धैर्य बढ़ेगा आपका, तो यज्ञ की उपासना करने से ये आध्यात्मिक गुण बढ़ेंगे। और आगे देखो, सर्वम वही पूर्णम स्वाहा बोलते ना अंत में, याद रखो, हमेशा याद रखो, एक बार ये संसार छोड़ के जाना है मुझे, कोई हमेशा नहीं रहा न रहेगा, सौ वर्ष पुराना कोई नहीं मुंबई के अंदर, शायद ही होगा कोई, और सौ वर्ष के बाद हम में से कोई नहीं रहेगा। ये दिमाग मन में रहेगा कि हमें संसार छोड़ के जाना है, बूढ़ा भी होना है, रोगी भी होंगे, अधिकार छीन लिए जाएंगे, तो क्या होगा, पाप कम करेगा। और नहीं तो व्यक्ति क्या है, वो अज्ञान क्या होता है, मैं तो ऐसा ही रहूंगा हट्टा कट्टा, ऐसे ही बल रहेगा मेरे, ऐसे ही भागता दौड़ता रहूंगा मैं, इतना अधिकार रहेगा मेरा, ऐसा मैं खा सकूंगा, पी सकूंगा, देख सकूंगा, दौड़ सकूंगा, ऐसा नहीं होगा। एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, जवानी देखते देखते चली जाएगी। बूढ़ों को देख लो आप, घर में बूढ़े बैठे हैं ना, ये कभी जवान थे,
ये कभी जवान थे 40 वर्ष पहले, आज बूढ़े हो गए, हम भी ऐसे बनेंगे। हम बूढ़े होंगे, रोगी होंगे, संसार छोड़ के जाएंगे, इतना विचार कभी कभी बना लिया करो, क्या होगा इससे? पाप कम होगा, धोखाधड़ी कम करेंगे, अन्याय कम करेंगे, अत्याचार कम करेंगे, सब कुछ छूट जाएगा। छूटना है तो इसलिए छूटना है, अच्छे काम करके जाओ ताकि दुनिया याद रखे हमको, ऐसे बुरे काम ना करो जिससे कि याद ना रखे। याद रखो, मैं आपको परीक्षा बताता हूं, मरते समय जो व्यक्ति प्रसन्न होकर के मरता है, दुखी नहीं होता है, चिल्लाता नहीं है, हाय हाय नहीं करता है, पश्चाताप नहीं होता है, ग्लानि नहीं होती है, समझना चाहिए उसका जीवन सफल है, चाहे पैसा कमाया नहीं कमाया। और मरते समय जो व्यक्ति दुखी होता है, पश्चाताप करता है, ग्लानि करता है, उसको धोखा दिया मैंने, वहां शोषण किया, वहां न्याय किया, वहां झूठ बोला मैंने, ये काम उल्टे किए, वो बहुत दुखी होता है। आप देखेंगे घर तो हॉबी है, आप भी कभी देखा करें, इन बूढ़ों के पास में जाओ, वैदिक धर्म के अंदर बूढ़ों के पास में जाने का विधान है। क्यों विधान है? विद्या बढ़ती है। कैसी विद्या? नित्य विद्या आई कि हम भी बूढ़े होंगे, आशीर्वाद मिलता है। मान भाव, ये हमारी परंपरा समाप्त होती जा रही है, हमारा परिवार बिखरता जा रहा है। आजादी से पहले देश में 70-80% लोग माता पिता के साथ रहते थे, 3 पीढ़ियां साथ में रहती थी, सब साथ में मिलकर रहते थे, संयुक्त परिवार प्रणाली थी। आज आजादी के बाद में इन 65-70 वर्षों के अंदर परिवार टूट गए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जो अपने भाइयों के साथ में रहते हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ में रहते हैं, वो सौभाग्यशाली है, सबसे बड़ी संपत्ति है, सहनशील है, वो धार्मिक है, वो परोपकारी है, तपस्वी है, त्यागी है, क्योंकि साथ में मिलकर रहने वाले व्यक्ति धैर्यवान होते ही है, तपस्वी होते ही है, सहनशील होते ही है, और लाभ भी उनको अधिक होता। आज परिवार टूट गए हमारे, इस बात का ध्यान रखें। तो अग्नि हमको सर्वमयी पूर्णम स्वाहा जब बोलेंगे तो मन में प्रेरणा पैदा करी, छूटना तेरा सब कुछ जो तूने बनाया है, उस समय दुखी नहीं होना। अंतिम अंत में ये जिसमें क्या बचता है? राग। देखते ना, अब आप देखेंगे अंत में राग बचेगी, ये हमारी राग भी बचेगी, ये राग भी हमको प्रेरणा देगी कि अंत में तेरी राग को नहीं है। सचेत हो जा, सावधान हो जा, मूर्ख बन करके, अज्ञानी बन के, भोला बन के पाप मत कर, अगला जन्म भी है तेरा। हमारे दिमाग में ये भी एक नास्तिकता का प्रमाण है, हम भूल जाते हैं कि अगला जन्म भी है, हम भूल जाते हैं पिछला जन्म भी था, हम मानते हैं तो यही जीवन है, ये पाश्चात्य प्रणाली है। जो अवैधिक धर्मी है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो मानते हैं तो एक ही जन्म होता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लाखों करोड़ों वर्षों से हम जन्म लेते आए हैं, आगे भी जन्म लेते रहेंगे जब तक मुक्ति नहीं होगी। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये यज्ञ अग्नि हमको प्रेरणा प्रदान करती है। मानुभाव सचेत हो जाए इसे। आगे शब्द आता है स्वाहा, उसका भी अर्थ बता देता हूं आपको। ये स्वाहा शब्द का अर्थ क्या है? स्वाहा शब्द का यह नहीं है कि अग्नि लकड़ी ली और उसमें डाल दी, घी लिया और डाल दिया, सामग्री हाथ में डाली और डाल दी, ये तो स्वाहा का बहुत छोटा सा शब्द है, अर्थ है दूसरे अर्थ बताता हूं मैं। सु आह स्वाहा, दो शब्द मिलते हैं सु और आह। सु कहते हैं सत्य बोलो, तो यज्ञ करता है झूठ बोलता है, यज्ञ नहीं कर रहा है, पाखंड कर रहा है, वो छतनी है, वो पकड़ लेना मेरी बात को, करना तो करना, ना करो कोई बात नहीं, हम पाखंड नहीं फैलाएंगे। माला फेर रहा है, मंदिर में जा रहा है, तिलक लगा रहा है, छापा कर रहा है, अपने आप को धार्मिक मान रहा है। सु आह स्वाहा, हे परमेश्वर मैं सत्य बोलता हूं, सत्य बोलने का प्रयास करता हूं, मेरे को शक्ति दो, साहस दो, बल दो, मैं सत्य ही बोलूं, सत्य ही लिखूं, सत्य ही मानूं, सत्य पे चलूं मैं। ये स्वाहा शब्द का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ स्वम वाक आह, जो मन में है वही बोलो। जो व्यक्ति जैसा मन में है वैसा नहीं बोलता है वो झूठा है, वो छलनी है, धोखेबाज है, वो चालाक है, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। तो दूसरा स्वाहा का अर्थ है जो मन में है वही बोलो, वैसा ही विचारो, वैसा ही करो। ये स्वाहा शब्द का दूसरा अर्थ है। स्वाहा शब्द का तीसरा सुन लीजिए, स्वम प्राह,
अपनी वस्तु को अपनी कहो, दूसरे की वस्तु को अपनी मत करो। दूसरे का धन है, दूसरे की स्त्री है, दूसरे का प्रतिष्ठा है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है, वो दूसरे का अधिकार में वस्तु है, उनको मन में लेने की इच्छा मत करो। ये स्वाह का तीसरा अर्थ है। और आगे चलिए, स्वाहा त्याग की भावना, परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, पड़ोसी के लिए, गली वालों के लिए, समाज के लिए, गांव वालों के लिए, राष्ट्र के लिए, जब भी जिस प्रिय से प्रिय वस्तु की आवश्यकता होती है देने के तत्पर रहो। ये स्वाहा का चौथा अर्थ है। आज हमने कल मनाया था ना, व्यक्तियों का जिन्होंने अपने जीवन का आहुत कर दिया, याचिक थे बहुत बड़े, इन्हें घबराए नहीं है कि हमारा प्राण निकल जाएंगे, ये सबसे बड़े याचिक थे। हम भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जाति के लिए, गांव के लिए, गली के लिए, परिवार के लोगों के लिए प्रिय से प्रिय वस्तु, धन तो बहुत छोटी चीज है, जान भी देने के लिए तैयार रहे, वो है स्वाहा। यदि ये स्वाहा की मन में भावना नहीं आएगी तो लकड़ पुंग तमाशा होगा। ये ऊंची भावना है। कल और अर्थ बताऊंगा मैं आपको, सायंकाल फिर बताऊंगा मैं। ये जो कोई ये नहीं आप सीखते हैं भाई, हम आगे 15 मिनट में लकड़ियां डालनी सीख जाएंगे, ये सीख जाएंगे, हमारा ये भावना नहीं। आपको तो बहुत आगे ले जाना है। ये इसलिए ये जो श्रेष्ठतम कर्म कहा है कि वो लकड़ी डालने का नाम ये श्रेष्ठतम नहीं है, कल बताऊंगा और मैं सायंकाल बताऊंगा मैं। तो ये स्वाहा शब्द का चौथा अर्थ बताया मैंने। पांचवा अर्थ और भी कई अर्थ है, ये सामान्य अर्थ है कि जो संविधाएं हैं, सामग्री है, घी है, इनको जलती हुई संविधाओं के अंदर आहुति डालना, ये स्वाह शब्द का पांचवा अर्थ है। ये स्वाह शब्द के अर्थ बताए मैंने आपको। तो ये मैंने आपको यज्ञ के विषय में कुछ बातें बताई, सायंकाल फिर बताऊंगा यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है और बताऊंगा मैं आपको यज्ञ की और प्रक्रियाएं बताऊंगा, शंकाओं का समाधान करूंगा मैं आपको। आप भी लाइए, आपके मन में शंकाएं हैं, मेरे पास में लगभग 100-125 शंकाएं यज्ञ के विषय में जो आपके मन में उत्पन्न होती है, उनमें से कुछ शंकाएं मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब आगे जो कुछ महानुभाव हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं मंगल भाई को या ब्रह्मचारी जी को सूचना देता हूँ कि वो प्रतिभाव के लिए उनको बुलाएंगे। पूज्य आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ओजस्वी वाणी से हम सबको अनुप्राणित किया है। अपठित अशिक्षित सामान्य व्यक्ति के मुकाबले जब हम शिक्षित व्यक्ति की तुलना करते हैं तो शिक्षित व्यक्ति का जीवन निकृष्ट पाते हैं, क्योंकि शिक्षा से हमने धर्म, ईश्वर, भक्ति, चरित्र, आदर्श मूल्यों को हटा दिया है। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या, विश्व में अनेकों राष्ट्रों के कर्णधार राष्ट्राध्यक्ष भी चरित्रहीन लंपट भोगी पाए जाते हैं। जो तपस्वी है, त्यागी, संयमी, जितेंद्रिय, परोपकारी, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी है, वही वास्तव में महान है। घर में संतानों का निर्माण अशक्य है। 5 वर्ष के बच्चे को आचार्य कुल में शिक्षा दिलानी उचित है। 25 वर्षों तक संतानों को तपस्वी बनाना चाहिए। श्रृंगार, नाच गाना 100% वर्जित है। 5 वर्ष के बच्चे को ईश्वर भक्ति समाधि सिखाई जाती है। ध्यान करने से हम ज्ञान समृद्ध, धन समृद्ध, विचार समृद्ध होते हैं। ध्यान की उपयोगिता एवं महत्व लाभ विधि बताते हुए पूज्य आचार्य श्री ने हमें ओम आनंद का जप कराया। राष्ट्रीय उद्घोष भले ही हमारा सत्यमेव जयते है, किंतु व्यवहार में दिमाग बना है कि बिना असत्य, चोरी, मिलावट, घेराफेरी की बिना हम उन्नति नहीं कर सकते, जबकि सत्य को धारण कर हम चक्रवर्ती राजा तक बन सकते हैं। यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। ओम के उच्चारण से आस्तिकता बढ़ती है। इदं नमः अर्थात 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मम मेरा कहने से मौत हो जाती है, न मम न मेरा कहने से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। अग्नि से प्रेरणा मिलती है। ताप, गति, प्रकाश के विषय में बताते हुए पूज्य आचार्य श्री ने बताया कि हमें अंतःकरण प्रकाशित करना चाहिए, अपने कुसंस्कारों को हमें जलाना है, जीवन में सतत ऊपर को उठना है। राग हमें प्रेरणा देती है, ये शरीर, धन, सगे संबंधी सब कुछ हमें छोड़ के जाना है। मरते समय जो व्यक्ति प्रसन्न, संतुष्ट और निर्भीक है उसका जीवन सफल है, तथा जिसका जीवनांत पश्चाताप युक्त, चिंतित, शोकग्रस्त है उसी का जीवन विफल है।
अंत में स्वाहा की कितनी सुंदर व्याख्या हमारे बीच में करी, सु आह, हमें सदा सत्य बोलना है, स्वम वाक आह, जो मन में है वही बोलना है, स्वम प्राह, अपनी वस्तु को ही अपनी कहना है, अन्य वस्तु की मन में भी कामना नहीं रखनी है, स्वाहा अर्थात राष्ट्र आदि के लिए, परिवार समाज जाति के उन्नति के लिए, अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को त्याग करने के लिए, यहाँ तक कि बलिदान के लिए भी हम तैयार रहें, तथा स्वाहा यानी उत्तम उत्तम द्रव्यों को इकट्ठा करके यज्ञ देव को खिला करके फिर हम अन्न खाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य आचार्य श्री का बहुत बहुत धन्यवाद।